देश में कोरोना महामारी के हालात काफ़ी हद तक सुधर गए हैं, जिस वजह से अब रोजाना के केस की संख्या भी कम हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 2,259 मामले सामने आए। इसके अलावा इसी अवधि में 20 मरीजों ने जान गंवाई। राहत भरी बात ये रही कि 2,614 लोगों ने वायरस को मात दी। ऐसे में अब देश में एक्टिव केस की संख्या 15,044 हो गई है। केस कम होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 520 केस मिले, जबकि केरल में 501, महाराष्ट्र में 316, हरियाणा में 267 और यूपी में 129 केस सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अगर डेटा का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 76.72% केस इन्हीं राज्यों में से आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत दिल्ली की है, क्योंकि वहां से कुल केस का 23.02% सामने आ रहा है। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या 4,31,31,822 हो गई है, जिसमें से 52,04,323 ने अपनी जान गंवाई और 15,044 एक्टिव केस अभी हैं। देश में कोरोना रोकने के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है, जिस वजह से अब तक 1,91,96,32,518 डोज लोगों को दी जा चुकी है। भारत में कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन कुछ देश अभी भी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम शामिल है। WHO के मुताबिक पिछले हफ्ते वहां पर 2.32 लाख लोग बुखार से पीड़ित मिले। ये देश दूसरे देशों से ज़्यादा संबंध भी रखता है, जिस वजह से वहां पर दवाओं, वैक्सीन आदि की भारी कमी है, जिस वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।